यहाँ पे GTA 5 में खेल रहा हूँ। गाइस यहाँ देख सकते हो FPS 60 के राउंड में है। फ्रैंकलिन से कनेक्शन मेरा टूट गया है फिर से। गाइस ये वैलोरेंट 100 FPS आपको देखने को मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर मैं रन करने वाला हूँ ये Adobe Premiere Pro है। Alright guys, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक अफोर्डेबल लैपटॉप दिखाया था, याद है ना, जिसमें हम नॉर्मली सारा काम कर सकते थे, ब्राउजिंग कर सकते थे, यूट्यूब वीडियो देख सकते थे, इसके बाद असाइनमेंट वगैरह कुछ भी करना है आपको वो सारा कर सकते थे और काफी कम प्राइस का था। और उस वीडियो पे आप लोगों ने क्या ही प्यार दिखाया, दिल खुश हो गया मेरा, थैंक यू। तो गाइस मुद्दा ये है कि एक और लैपटॉप लॉन्च हुआ है जो बजट में आपको काफी अच्छे स्पेक्स के साथ देखने को मिल जाएगा। आई थिंक आपको भी उसके ऊपर वीडियो देखना रहा होगा, तो मैंने सोचा चलो उसे मंगवा लेते हैं। तो ये जो लैपटॉप है ये है इन्फिनिक्स X2 Slim। तो चलो देखते हैं कितना पावरफुल ये लैपटॉप है और कितना अच्छा आपके लिए हो सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, कितना अच्छे तरीके से सारा चीज रखा गया है। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये लैपटॉप को मैं अपने हाथ में लेकर इस तरह से साजिश कर रहा हूँ। इसका जो वेट है 1.24 केजी है, जो काफी ज्यादा लाइट वेट है और लिटरली गाइस काफी अच्छा दिखता भी है। सामने देख सकते हो 70% मैट है और 30% यहाँ पे ग्लॉसी सा आपको फील देगा जो काफी अच्छा दिखता है। और ऊपर का एरिया पूरा मेटल का है, बैक एरिया यहाँ प्लास्टिक है, ऑफकोर्स लाइट वेट जो बनाना था लिटरली काफी लाइट वेट है, देख सकते हो इस तरह से कर सकते हैं। और गाइस इसका थिकनेस 14.8 mm है जो अपने आप में काफी कम है। चलो वन हैंड ओपन करके देखते हैं होता है या नहीं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा फिर जाकर आप इसे उठा सकते हो, जस्ट बिकॉज थोड़ा लाइट वेट है इसलिए ऐसा है। इसके बाद गाइस कुछ इस तरह का कीबोर्ड है और आई थिंक इसका जो की है ये काफी अच्छा है और डिस्टेंस भी काफी अच्छा आपको मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो ट्रैक पैड आप देख रहे हो, एक बार इसका ट्रैक पैड का साइज देखो गाइस। इस तरह के बजट लैपटॉप में इतना बड़ा ट्रैक पैड आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको इसमें देखने मिल जाता है, जिसका फायदा होता है जब भी आप एडिटिंग कर रहे हो या स्क्रॉलिंग वगैरह करते हो तो आपको माउस का नीड इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। इसके बाद कीबोर्ड के ऊपर आप देखोगे लेफ्ट साइड में 3 इंडिकेटर लाइट है, जो फर्स्ट है यहाँ पे पावर ऑन रहेगा उसके लिए जलता है, सेकेंड यहाँ पे कैप लॉक ऑन करोगे फिर आपको दिखेगा, और जो थर्ड है ये यहाँ वेबकैम में फ्लैश लाइट दिया गया है तब ये जलता है, जो मुझे काफ़ी एक अलग सा फीचर लगा यार। ये किसी लैपटॉप में आपको नहीं मिलेगा, बट इसमें आगे की तरफ वेबकैम में दो दो फ्लैश लाइट है, सिर्फ सेल्फी नहीं वेबकैम में भी आ गया है। ओके इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको बैकलिट कीबोर्ड भी मिल जाता है। तो बैकलिट का फायदा ये होता है कि आप रात में आराम से सारा लाइट वगैरह बंद करके अपना लैपटॉप यूज कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये आपको इस प्राइस में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है और किसी लैपटॉप में। तो चलो गाइस बात कर लेते हैं पोर्ट्स एंड बटन का। तो एक पावर ऑन ऑफ बटन दिया गया है। इसके बाद गाइस राइट साइड में यहाँ बहुत सारे पोर्ट्स हैं, सबसे पहले किंगस्टन लॉक के लिए, सेकेंड यहाँ पे 3.0 USB पोर्ट है, थर्ड ऑडियो जैक पोर्ट है, इसके बाद टाइप सी आपको देखने मिल जाता है एक माइक्रो SD कार्ड लगाने के लिए, लेफ्ट साइड में यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है जिसके साइड में इंडिकेटर लाइट दिया गया है, जैसे चार्ज में लगाओगे तो ये जलना शुरू हो जाता है, एक यहाँ पे USB पोर्ट है जो 3.0 है ऑफ कोर्स, और एक यहाँ पे आपको HDMI पोर्ट देखने मिल जाता है। इसके बाद गाइस लेफ्ट और राइट साइड में दो स्पीकर ग्रिल है, चार रबर पैड है जो इसे काफी अच्छा ग्रिप प्रदान करेगा, जब भी आप इसे टेबल पर रखोगे तो ये गिरेगा नहीं, अच्छे तरीके से चिपका रहेगा। अगर आप भी चिपकना चाहते हो तो पता ही क्या करना है, इन्वेंशन डिस्ट्रॉय को सब्सक्राइब कर लो बस। और गाइस यहाँ पे आपको एयर इनटेक वेंट देखने मिल जाता है और इसके अंदर काफ़ी अच्छा कूलिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है, तो वो सब तो हम परफॉर्मेंस वाले में देख लेंगे किस तरह से ये काम करता है। ओके गाइस इस लैपटॉप का जो डिस्प्ले है ये सच में लाजवाब है, 14 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले देखने मिल जाता है, 100% sRGB कलर गैमेट है। इसके बाद आपको 300 nits का ब्राइटनेस मिल जाता है और बस 4.7 mm का इसका बेजल है, जो आपका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल कर देगा अगर आप इसमें कुछ भी देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, मूवी देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। और ऑडियो के लिए DTS साउंड सिस्टम आपको मिल जाता है। गाइस यहाँ पे एक ऑडियो और वीडियो सैंपल आप देखो, आपको काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा दोनों का, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है। इसमें आप काम करो, वीडियो देखो या जो करना है करो, काफी अच्छा लगने वाला है। डिस्प्ले इतना अच्छा है गाइस, कलर ग्रेडिंग वगैरह भी आप इसमें कर सकते हो, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा और आपको। तो चलो गाइस बात करते हैं इस लैपटॉप के सबसे मेन पॉइंट का, जिसके लिए आप इसे बाय करोगे, प्रोसेसर परफॉर्मेंस कितना अच्छा है इसका। जो वेरिएंट मेरे पास है ये i5 11 जनरेशन 512 GB SSD और 16 GB RAM वाला है। जो RAM टाइप है ये LPDDR4X 3200 MHz वाला है। और गाइस SSD टाइप आपको NVMe 3.0 जिसका रीड एंड राइट स्पीड 2400 Mbps और 1900 Mbps आपको देखने मिल जाता है, और इसमें आपको प्री इंस्टॉल विंडोज 11 देखने मिल जाता है। तो गाइस स्पेक्स तो मैंने आपको सारा बता दिया, चलो अब यहाँ पे इसका रियल टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं ये लैपटॉप कितना कैपेबल है हमारे सारे काम को करवाने के लिए। तो गाइस सबसे पहले बूटअप करते हैं और देखते हैं कितना देर में हमारा सिस्टम ऑन होता है। तो गाइस लगभग 8 से 9 सेकंड में ये हो जाता है, काफी फास्ट है।
चलो अब यहाँ पे नॉर्मल टास्क करके देखते हैं, जैसे ब्राउजिंग वगैरह हो गया, ये किस तरह से हम कर सकते हैं इसमें। अब गाइस कुछ और टैब फटाफट ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे कुछ आइडिया मिल जाएगा आपको कि इस तरह से आप सारी चीज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर बहुत सारा वीडियो ही प्ले कर देता हूँ मैं। गाइस यहाँ 4K वीडियो मैं 2-3 टैब में ओपन कर दिया हूँ एंड यहाँ पे कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, तो ब्राउजिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस लैपटॉप में। अब गाइस इस लैपटॉप को अगर आप ऑफिस वर्क के लिए लेना चाहते हो तो क्या ये कैपेबल है या नहीं, तो आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, गाइस यहाँ पे देख सकते हो वर्ड में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, सारा चीज़ मैं कर पा रहा हूँ, आप जो चाहो इसमें कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक्सेल में मैं सारा चीज़ कर रहा हूँ, कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है एंड ईजी वे से आप सारा काम अपना कर सकते हो इस लैपटॉप में, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब गाइस यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर मैं रन करने वाला हूँ ये Adobe Premiere Pro है एंड आप सभी को पता है इसमें एडिटिंग हम करते हैं। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हम किस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। देखो एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, गाइस यहाँ प्लेबैक रेजोल्यूशन फुल है एंड जो टाइमलाइन है ये 1080p वीडियो का है। गाइस यहाँ बिना किसी लैग के मैं सारा एडिटिंग कर पाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। यहाँ पे साउंड ट्रैक है, वीडियो है, ऊपर एक वीडियो है, इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट है, एसेंशियल ग्राफिक्स है, तो बहुत सारी चीज़ ओपन करके मैंने सारा चीज़ किया है। इवन यहाँ पे ट्रांजिशन वगैरह भी लगा हुआ है और आप ये सारा एडिटिंग इसमें इजीली कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो रेंडर क्वालिटी 1080p है एंड जो एस्टिमेट फाइल साइज आया है ये अराउंड 154 MB का है और ये जो क्लिप है ये 1 मिनट का है। तो चलो 1 मिनट का वीडियो अगर आप 1080p रेंडर करते हो तो कितना टाइम लगता है ये आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो लेस देन 1 मिनट में ये 1 मिनट का 1080p वीडियो आप इसमें रेंडर कर सकते हो। मैं बोलना चाहूँगा बहुत ही अच्छा रेंडरिंग यहाँ पे आप कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। 4K भी आप कर सकते हो बट वहाँ पे टाइम लगेगा ऑफ कोर्स इसमें, क्योंकि डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा है इसके लिए। अब गाइस यहाँ प्रीमियर प्रो रन हो गया है तो PS होने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसमें आप सारा चीज़ कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। हाँ यहाँ पे आप 3D रेंडरिंग वगैरह का सोच रहे हो तो इसमें ऑफ कोर्स काफ़ी दिक्कत आने वाली है, लेकिन नॉर्मल अगर आपको कुछ भी ग्राफिक्स वगैरह बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इजीली वैसे आप सारा चीज कर सकते हो। अब गाइस ये एक गेमिंग लैपटॉप नहीं है लेकिन फिर भी आप इसमें गेम जरूर खेलोगे क्योंकि इसका जो स्पेक्स है उस हिसाब से इसमें आप नॉर्मल सेटिंग पे गेम खेल सकते हो। यहाँ पे GTA 5 मैं खेल रहा हूँ एंड आपको मैं ग्राफिक सेटिंग दिखा देता हूँ क्या किया हूँ मैं। सभी को मैं नॉर्मल करके रखा हूँ जस्ट बिकॉज कि इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई भी सेटिंग हाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो टेक्सचर क्वालिटी नॉर्मल हो गया, शेडर क्वालिटी नॉर्मल हो गया, शैडो क्वालिटी नॉर्मल है। तो गाइस यहाँ पे FPS आप देख सकते हो 60 के राउंड में है जो काफ़ी अच्छा है, लेकिन गेम खेल कर देखते हैं फिर क्या FPS हमें देखने को मिलता है ये पता लगेगा। ओ यहाँ पे देख सकते हो गाइस GPU 100% यूज हो रहा है और CPU 6%। ओके थोड़ा फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा जस्ट बिकॉज गाइस इसमें कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है और ये गेमिंग लैपटॉप बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बहुत गेम खेल सकते हो। ओके गाइस टू बी ऑनेस्ट मुझे गेम खेलने उतना आता नहीं है, ओके फिर भी मैं आपके लिए टेस्टिंग यहाँ पे कर रहा हूँ। गाइस कुछ इस तरह से आप इसमें गेम खेल सकते हो। ओके फ्रैंकलिन से कनेक्शन मेरा टूट गया है फिर से। ओके अभी हम यही मिशन पे पिछले कई दिनों से फंसे हुए हैं, एक्चुअली गेम खेलता ही नहीं हूँ तो मिशन कैसे निकलेगा। गाइस ये वैलोरेंट एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं FPS 87, 102, 88, 100 FPS आपको देखने को मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा FPS है, आराम से आप स्मूथ गेम प्ले कर सकते हो। तो चलो गेम खेल कर दिखाता हूँ आपको किस तरह से ये वैलोरेंट आप खेल पाओगे इस लैपटॉप में। तो गाइस GTA तो आप नहीं खेल सकते अच्छे तरीके से बट वैलोरेंट आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से खेल पाओगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजी वे से सारा चीज इसमें कर सकते हो। और गाइस इसमें आपको 5 वेरिएंट और मिल जाएंगे जो i3 से लेकर i7 तक है, तो अपने प्राइस के अकॉर्डिंग और आपका जितना भी काम है उसके अकॉर्डिंग आपको जो लेना है आप ले सकते हो। अब गाइस इसका डिस्प्ले काफी अच्छा है, प्रोसेसर काफी तगड़ा है, इसका बैटरी लाइफ कितना है तो देखो 50 वाट आवर का इसका बैटरी है जिसे आप अप टू 90 मिनट्स में फुल चार्ज कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको फास्ट चार्जर मिलता है जो 65 वाट का है, टाइप सी से चार्ज होता है, ये काफ़ी अच्छा इसका फीचर है। और गाइस इसका जो बैटरी है अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो अप टू 9 आवर्स का आपको बैटरी इजीली देखने को मिल जाएगा, अगर आप थोड़ा हेवी टास्क वगैरह करते हो तो बैटरी ऑफ कोर्स थोड़ा कम चलेगा, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा जिस तरह का इसका डिज़ाइन है और सारा चीज़ है बैटरी काफ़ी अच्छा है, चार्ज भी जल्दी होता है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी तगड़ा है, डिस्प्ले भी अच्छा है, तो ये जो लैपटॉप है आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको
हल्का फुल्का गेमिंग करना है, इसके बाद अगर आपको एडिटिंग करना है प्रीमियर प्रो में 1080p वीडियो, तो गाइस अपने डे टू डे लाइफ का सारा टास्क वगैरह इस पर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसे लेना चाहते हो तो बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर एक बार देख लेना, अगर आपको समझ में आए तो आप ले सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, माइंड के क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और आपको इस तरह का वीडियो देखना अच्छा लगता है प्लीज इन्वेंशन निस्ट्रॉय को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ फिर से एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।